टैटू और हम अभी ये कटाना पेन मशीन के बारे में आपने सुना है। कटाना पेन मशीन के लिए हम लोग ने अभी तक कोई वीडियो नहीं बनाया, बट अभी आज से हम लोग कटाना की जितनी भी पेन मशीन है उसके सारे किट्स के वीडियोस बनाएंगे और आपसे शेयर करेंगे और इसके बारे में बताएंगे कि किस तरह से चलती है और किस तरह से आप इसमें काम कर सकते हो। कटाना पेन मशीन जो होती है इसके अंदर नॉर्मल नीडल नहीं लगती है, आपकी जो पहले बड़ी नीडल हम लोग यूज़ करते थे वो नीडल इसमें नहीं लगेगी। कार्ट्रेज नीडल लगती है जो टिप के साथ में होती है। ये नीडल्स है जिसके अंदर डिस्पोजेबल टिप विद डिस्पोजेबल नीडल ये सेट किया हुआ है, तो ये डायरेक्ट पेन में लगती है, डायरेक्ट वायर लगता है और डायरेक्ट ये स्टार्ट होती है। तो हम इसको स्टार्ट करके बताएंगे। पहले एक किट के बारे में बता देता हूँ कि मशीन अगर आपको अलग से बाय करना है तभी भी आप बाय कर सकते हो, नीडल अलग से बाय करना है तभी भी कर सकते हो, पावर सप्लाई भी कर सकते हो, फोर्स स्विच भी कर सकते हो, अलग से भी आप अपने बाय करके अपने हिसाब से कस्टमाइज किट बना सकते हो। और ये किट हम लोग ने कस्टमाइज़ करके बनाया जिसका कॉस्ट है 11,500 रुपीज़, जिसमें आपको ये एक बैग मिलेगा जिसमें आप ये सारा सामान रख के लेके आप कहीं भी इसको जा सकते हो, ट्रैवलिंग में या फिर फ्रीलांसिंग टैटू कर रहे हो तो उसके लिए, या फिर आप इंस्टीट्यूट में सीखने कहीं जा रहे हो उसके लिए। इसके अंदर एक बैग आएगा, एक सिलिकॉन प्रैक्टिस स्किन, बोथ साइड यूज़ कर सकते हो आप इसको, ड्रेसिंग पेपर आप यूज़ कर सकते हो ड्रेसिंग के लिए। तो ये ड्रेसिंग पेपर हो गया और एक 1 ounce ब्लैक कलर डायनेमिक ये आएगा, इंक अप स्टैंड आएगा, और ये कटाना पेन मशीन और इसका क्लिप कॉर्ड। इसका जो क्लिप कॉर्ड होता है वो अलग होता है, इसको एक्चुअली क्लिप कॉर्ड नहीं बोलते, क्लिप होता है उसमें तो क्लिप कॉर्ड बोलते हैं। मैंने समझाने के लिए बोला है क्लिप कॉर्ड इसलिए क्योंकि हम लोग कॉइल मशीन में क्लिप कॉर्ड यूज़ करते हैं। ये कॉर्ड इस तरह से इधर लगेगा, हम इसको चला के भी बताएंगे आपको, ठीक है। और ये फुट स्विच आएगा, ये भी कटाना का है, पेन भी कटाना का है, पावर सप्लाई भी कटाना का है। तो ये कटाना का फुट स्विच, हैवी स्टील फुट स्विच, ये आपको करंट नहीं मारेगा बिकॉज इसके अंदर दो डॉट्स है ब्रास के, ब्रास उसमें डाला हुआ है तो ये डायरेक्ट आपको करंट भी नहीं देगा। अच्छी क्वालिटी का, इसका कॉर्ड भी काफ़ी थिक है, इसके अंदर के वायर भी थिक है। और ये पावर सप्लाई, ये पावर सप्लाई की भी एक खासियत है, ये पावर सप्लाई के बारे में मैंने बताया है, एक वीडियो है पावर सप्लाई का, आप वो देखोगे तो इसके बारे में पता चल जाएगा कि आप इसको डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हो, मतलब फुट स्विच अटैच करना है आपको पीछे और कंटिन्यू यूज़ कर सकते हो। जैसे आपका काम बड़ा है तो आपने इसको प्रेस कर दिया तो इधर एक लाल लाइट कलर की लाइट जलेगी और ये मशीन कंटिन्यू चलेगी, आपको फुट स्विच से पैर हटा देना है। तो ये पूरा भी मैं आपको स्टार्ट करके बताता हूँ कि किस तरह से होता है। ये इसका कॉर्ड है जो पावर सप्लाई के पीछे लगेगा, और इसमें ऑन ऑफ का बटन भी है और फुट स्विच का भी है पीछे की तरफ। और इसके अंदर जो ये लाइट है ये आप जैसे स्पीड बढ़ाओगे लाइट का कलर चेंज होगा, पर्पल से ऑरेंज हो गया, अभी रेड हो गया, ऐसे कलर्स चेंज होंगे जैसे आप स्पीड बढ़ाओगे। वैसे मैंने वापस से लो किया, वापस इसका कलर चेंज होगा। ग्रीन हो गया, अभी ब्लू हो गया, ऐसे काफ़ी कलर्स है इसमें जो चेंज होते हैं। ये पेन मशीन है,
ये वायर इधर लगेगा जहाँ पे ये क्लिप बना हुआ है। कटाना फुट स्विच, सेम आप इसको भी ऑर्डर कर सकते हो वेबसाइट से। वेबसाइट पे इसका डिस्क्रिप्शन भी है, उसका प्राइसिंग भी है, उसका डिटेल भी है। मशीन चल रही है लेकिन मशीन की आपको आवाज़ नहीं आएगी, वाइब्रेटिंग मशीन है इसकी आवाज़ नहीं आएगी, मशीन चल रही है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, एक नीडल को खोल देते हैं। ये डिस्पोजेबल नीडल होती है, इसको आपने एक बार खोल दिया, यूज़ कर लिया, ये नीडल ये इस तरह से प्रेस होती है। ठीक है, एकदम इजी फिटिंग है ये मशीन, बहुत सारे यूज़ में होती है। आपको मैं बता दूँ ये पेन मशीन वाइब्रेटिंग मशीन है, इसमें साउंड नहीं होता है, तो ये फीमेल के लिए बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं क्योंकि फीमेल साउंड से डरती है और इसका साउंडलेस की वजह से वो टैटू बना लेती है कि उसको ऐसा लगता है कि उसमें पेन कम होगा। ठीक है, तो ये नीडल को डालने का तरीका, बस आपको इसको अंदर डालना है ईजीली और इसको आपको नीडल को पकड़ के अच्छे से टर्न करना है, वो अंदर लॉक हो जाता है। ये अब लॉक हो गया अंदर, वैसे इसको आपने पकड़ा, गोल घुमाया, खुद से खुद पुश होके बाहर आ गया वैसे ही। अच्छा, दूसरी चीज़, ये मशीन ब्यूटी पार्लर्स में भी अभी बहुत यूज़ होती है और मुझसे ये डॉक्टर्स लोग भी लेके जाते हैं। डॉक्टर्स लोग इसलिए लेके जाते हैं क्योंकि डॉक्टर ये मशीन से आईब्रोज करते हैं, जिसको माइक्रो ब्लीडिंग बोला जाता है, आईब्रो फीलिंग करते हैं जिसको आईब्रो टैटू बोला जाता है, लिप लाइनिंग करते हैं यही मशीन से और लिप कलर फीलिंग भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ों में भी ये मशीन और विटिलिगो पैचेस, वाइट पैचेस हो जाते हैं, तो उससे भी स्किन कलर लेके आप ये मशीन यूज़ कर सकते हो। बिकॉज ये मशीन बहुत अच्छी है, इजी है और फीमेल्स के हाथ में सूट हो जाती है बिकॉज ये लाइट वेट है और पेन के जैसा है, पेन मशीन है, तो इजीली आप लोग इसको ऑपरेट कर सकते हैं। इसके लिए ये मेकअप में भी अभी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। इसमें रेंज है, ये आप सिर्फ मशीन लेते हो तो 6200 की है, उसके बाद 7200 की है, उसके बाद में 10800 की, ऐसे 40,000 तक है। शाइनॉक का भी है, वो काफ़ी कॉस्टली है, 39,000 to 40,000 तक आता है, डॉलर के ऊपर डिपेंड करता है। तो बहुत ईजी मशीन है ये, इस तरह से इसको लगाना है, एक फर्स्ट फिटिंग, सेकेंड इसका जो कॉर्ड है इसको अंदर डालना है आपको पूरी तरह से। ठीक है, और उसके बाद में आप इसको प्रेस करोगे फुट स्विच को, ये चलने लग जाएगी। अब ये चल रही है, देखो अब ये जो आवाज़ आ रही है ये मशीन की आवाज़ नहीं है, ये नीडल की आवाज़ है। ये नीडल जब प्लास्टिक को थोड़ा टच करता है तो आवाज़ आता है। इसमें थोड़ी सी सेटिंग भी दी हुई है, जैसे आप देख रहे हो ये नीडल ज़्यादा बाहर आ रही है। मैं यहाँ से प्रेस कर रहा हूँ इसको, ये फुट स्विच है, पैर से प्रेस होता है बट मैं एल्बो से कर रहा हूँ इसको। ठीक है, अगर मेरे को इसको कंटिन्यू चलाना है तो मुझे इसको दबा देना है। अब मैं इसको प्रेस करूँगा तो ये कंटिन्यू चलेगी। मैं यहाँ से हाथ भी हटा दूँगा, फुट स्विच का ज़रूरत नहीं है, ये खुद ऑपरेट हो रही है। अब मैं आप इससे टैटू भी कर सकता हूँ, आईब्रोज भी कर सकता हूँ, लिप लाइनिंग, लिप कलरिंग फ्री होके कर सकता हूँ क्योंकि मैंने इस पर से लाइक हटा दिया है। मैं इसको प्रेस करूँगा, ये बंद हो जाएगा, ये लाइट चालू है, इसके बिल्कुल बाजू में छोटा सा लाइट दिया हुआ है, ये ऑन है, मतलब ये कंटिन्यू चलेगा। मैं एक बार प्रेस करके पैर हटा दूंगा तो ये कंटिन्यू चलेगा। मैंने इसको प्रेस कर दिया, पैर हटा दिया, ये कंटिन्यू चल रहा है। ये साउंड मशीन का नहीं है, नीडल का है। ओके, ओके, तो इस तरह से इसकी नीडल लगती है, इस तरह से इसको ऑपरेट करते हैं। और ये डायरेक्ट आपको हटाना है तो इसको प्रेस करके बंद कर दिया, ये जो छोटी सी लाइट है इसको प्रेस कर दिया, ये बटन जैसा भी यूज़ होता है, और ये स्पीड भी आप इसको स्लो फास्ट कर सकते हो उससे। अब ये लाइट नहीं जल रही है तो मैंने इसको प्रेस किया, तब तक ये चालू रहेगा,
हटा दिया तो बंद हो जाएगा। छोटा छोटा काम करना है तो इस तरह कर सकते हो। और इसको बड़ा काम करना है आपको, प्रेस कर देना है, उसके बाद में इसको प्रेस करके हटा देना है, ये डायरेक्ट चलते रहेगा बड़े काम के लिए, ठीक है। तो ये किट आपको 11,500 की है, आप इजीली बाय कर सकते हो www.mumbaitattoo.com से। और भी इसके वेरिएशन है, उसके बारे में जानना है आप तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो या फिर आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो मेरे नंबर पे, ठीक है। उसमें हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, कोई भी क्वेश्चन होगा आप कर सकते हो www.mumbaitattoo.com से, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।